बाउल के अंदर लेंगे 1/4 कप ल्यूकवॉर्म वाटर, पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून एक्टिव ड्राई यीस्ट। फर्मेंटेशन के प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शुगर। इस मिक्सचर को अच्छे से स्टिर कर लेंगे और इसको 10 मिनट्स का रेस्ट देंगे। यीस्ट हमारी फर्मेंट हो चुकी है, इसके ऊपर छोटे बबल्स आ चुके हैं जो कि एक साइन है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस अच्छे से हो गया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 पिंच सॉल्ट, 4 to 5 क्लॉव्स ऑफ चॉप्ड गार्लिक, ऑरिगैनो एज पर टेस्ट। टू टेबलस्पून मेल्टेड बटर, इसके अंदर हमें सॉल्टेड बटर लेना है, अनसॉल्टेड बटर नहीं लेना है। 1 कप ऑफ ऑल पर्पज फ्लोर मैदा। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएं। अब मैं इसको अपने हाथों से निट करूंगी। डो की निटिंग का प्रोसेस बहुत पेशेंस वाला होता है, मुझे इसे 3 से 4 मिनट तक जेनरस हाथों से निट करना है जिससे कि हमारा ब्रेड सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। 3 से 4 मिनट मुझे हो चुके हैं, अब मैं इसको इसके ऊपर ऑयल की ग्रीसिंग करके 1 आवर का रेस्ट दूंगी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए। 1 आवर हो चुके हैं, ब्रेड हमारा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, इसका साइज ऑलमोस्ट डबल हो गया है जो कि एक साइन देता है कि हमारे डो की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अपने डो को हम बाउल के अंदर एक ट्विस्ट देंगे और इसको अपने बाउल से निकाल लेंगे। इसको अब हमें 3 से 4 मिनट तक दोबारा अच्छे से निट करना है। अगर आपका डो बोर्ड पे चिपक रहा है तो आप ड्राई फ्लावर का यूज कर सकते हैं। डो को निट करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये काफ़ी कंसिस्टेंट दिख रहा है। अब हम डो को अपने पाम से स्मूदन करेंगे। मैं इसको हाथों से फ्लैटन कर रही हूँ, इसके लिए आप रोलिंग पिन एंड बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। डो हमारा रोल हो चुका है, इट इज लुकिंग परफेक्ट। ग्रीसिंग मिक्सचर बनाने के लिए बटर में ऐड करेंगे 3 to 4 क्लॉव्स ऑफ चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर, चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपने डो के ऊपर इस मिक्सचर को इवनली स्प्रेड कर लेंगे। मिक्सचर हमारा इवनली स्प्रेड हो गया है, इसके ऊपर ऐड करेंगे मोज़रेला चीज, थोड़े से बॉइल्ड फ्रोजन कॉर्न्स, एलपिनोस एंड चिली फ्लेक्स। लास्टली ऐड करेंगे शेदर चीज। डो के दूसरे एंड से हम इसको क्लोज कर देंगे और अपनी फिंगर से इसको एजेस से अच्छे से सील कर देंगे। अपने डो को मैंने बेकिंग टिन पे ट्रांसफ़र कर लिया है, मैंने नीचे बिछाया है बटर पेपर जिससे कि हमारा डो बेकिंग के टाइम नीचे ना चिपके। इसके ऊपर हम कट्स लगाएंगे, इन कट्स को हमें वर्टिकली लगाना है, 1-1 इंच के गैप से पे लगाना है और ज़्यादा डीप नहीं लगाना है। जो हमने ग्रीसिंग पहले बनाई थी उसकी कोटिंग हम अपने डो के ऊपर कर देंगे और साथ ही ऐड करेंगे ओरिगैनो। अपने डो को हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए अवन के अंदर। पंद्रह मिनट हो चुके हैं।